युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर करने के लिए बुशहर कबड्डी संघ रामपुर सीनियर सेकेंडरी वर्ग महिला एवं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है ताकि भारत के फिट इंडिया मुहिम को अमलीजामा पहनाया जा सके। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 25 टीमें भाग लेंगी। युवाओं को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने के लिए बुशहर कबड्डी संघ रामपुर सीनियर वर्ग महिला एवं पुरुष राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहा है ताकि भारत सरकार के फिट इंडिया मुहिम को अमली जामा पहनाने में भागीदार बने। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 25 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 15 टीमें पुरुष वर्ग और 10 महिला। पुरुष वर्ग में सभी जिलों से और 3 टीम पुलिस और अन्य विभागों की होंगी। इस प्रतियोगिता में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता आयोजन को लेकर रामपुर के सर्किट हाउस में बुशहर कबड्डी संघ की बैठक हुई। इस दौरान प्रतियोगिता आयोजन को लेकर रणनीति बनी। आयोजकों ने बताया कि जिस तरह से युवा दिन प्रतिदिन नशे की चपेट में आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार के फिट इंडिया प्रयास को सफल बनाने के लिए मुहिम शुरू की है। बुशहर कबड्डी संघ के अध्यक्ष सुभाष रांझा ने बताया कि संघ रामपुर में कबड्डी सीनियर वर्ग की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहा है। इसमें कुल 25 टीमें हिस्सा लेंगी। 7 से 9 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में करीब 400 खिलाड़ी और उनके साथ लोग भी हिस्सा लेंगे। सरकार द्वारा खेलो इंडिया और फिट इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज बुशहर कबड्डी एसोसिएशन रामपुर की जो बैठक हुई है, ये इस मकसद से की गई है, जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है सीनियर वर्ग की, जिसमें 12 जिलों की और कुछ अन्य विभागों की टीमें आनी है। पुरुष वर्ग में 15 टीमें आनी है और महिला वर्ग में जो है 10 टीमें आनी है। इस तरह से 25 टीमें जो है इसमें भाग लेंगी और जिसमें लगभग 400 खिलाड़ी भाग लेंगे और उसके साथ साथ जो है ऑफिशियल 100 के करीब आएंगे। और ये जो प्रतियोगिता है, ये 7, 8 और 9 फरवरी को जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्र रामपुर में होगी। और इसका जो मकसद है इस प्रतियोगिता कराने का, जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो नशे की ओर जा रही है, उसको इसे दूर करने के लिए जो है जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी आएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल की ओर से खेल रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर में खेल रहे हैं हिमाचल के खिलाड़ी, वो सभी इसमें भाग लेंगे ताकि जो है यहाँ के युवाओं का रुझान जो खेलों की तरफ हो और वो जो है नशे से दूर रह सके।